ठीक है, वेलकम बैक टू द चिलिंग रिव्यूज़। मेरा नाम है रुक मिश्रा। सो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑस्कर्स के अवार्ड्स की। हाँ, ऑस्कर के अवार्ड्स की। और तुम लोगों ने अगर ऑस्कर के अवार्ड्स देखते हो हर साल, तो मतलब यार तुम तो बड़े वेले हो यार, कुछ काम धंधा कर लिया करो। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ऑस्कर के अवार्ड्स एक्चुअली मैं देखता नहीं हूँ, मैं बस उसके देख लेता हूँ अवार्ड्स किस किस को मिला है, कौन सी मूवी को मिला है, कौन से एक्टर को मिला है, एक्ट्रेस को मिला है, ये सब देखता हूँ मैं ज़्यादातर। मैं क्योंकि ऑस्कर देखने का टाइम नहीं मिलता यार, मैं तो स्टार सिनेमा अवार्ड तब देखता हूँ जब न्यू ईयर का टाइम हो, वरना ऐसे कभी नहीं देखता मैं। लेकिन इस बार के ऑस्कर्स में थोड़ा कुछ स्पेशल हुआ है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आगे चल के डिस्कस करेंगे। बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो टुडे। इस साल की बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है कोडा को, जो मेरे को लग रहा था कि इस दूसरी पिक्चर को देना चाहिए, जेम्स बॉन्ड की मूवी को देखना चाहिए था, जो नो टाइम टू डाई आई थी, क्योंकि मेरे को वो सिनेमाटोग्राफी स्टोरी उसकी बहुत अच्छी लगी थी। बट एक कोडा नाम की मूवी है, मेरे को देखू मैं देखूंगा उसको कि ऑस्कर क्यों मिला था, इसकी स्टोरी क्या है, तो मैं उसका रिव्यू भी दूंगा। पर इस साल की बेस्ट पिक्चर का अवार्ड कोडा को मिला है। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड जाता है ड्यून को। जी हाँ, ड्यून को। मैं सोचा था स्पाइडरमैन नो वे होम को मिलेगा, बट स्पाइडरमैन नो वे होम का कोई चांस नहीं था, बिकॉज ये लोग मार्वल या सुपर हीरो मूवी को ऑस्कर इतनी आसानी से अवार्ड देते नहीं हैं। एंड इस साल भी वही हुआ, इस साल भी स्पाइडरमैन नो वे होम की जगह ड्यून ले गई, बिकॉज ड्यून का आई गेस सिनेमाटोग्राफी कुछ अलग लेवल का था। मैंने सुना है इसके बारे में कि VFX सिनेमाटोग्राफी उन लोगों ने कुछ स्पेशल यूज़ किया था, कुछ अलग यूज़ किया था इस बार। तो मैं देखूंगा ड्यून मूवी को भी कि क्यों उसको बेस्ट विजुअल्स के मिला के लिए मिला। 2019 में भी एवेंजर्स एंडगेम को मिलना चाहिए बेस्ट विजुअल्स के लिए, बट क्या करें, ऑस्कर्स वाले इतनी आसानी से देते नहीं सुपर हीरो मूवीज़ को। इस साल की बेस्ट कैटेगरी ऑफ मेल सुपरस्टार को जाता है विल स्मिथ को। विल स्मिथ को बिकॉज उन्होंने किंग रिचर्ड का एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया था, एंड किंग रिचर्ड जो था इस साल जो मतलब बेस्ट मेल परफॉर्मेंस था वो उन्हीं का था। मैं मूवी देखा नहीं हूँ, ये वाली भी मैं देखूंगा, इन सारी मूवीज़ को रिव्यू करूंगा कि कैसे कैसे इसको ये अवार्ड डिजर्व करती थी कि नहीं करती थी। मैं इन सारी मूवीज़ को रिव्यू करूंगा, एंड विल स्मिथ के बारे में और भी आगे बातें आने वाली हैं। मैं इसके बारे में पहले डिस्कस कर देता हूँ, फिर बाद में उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो देखो, ये जो मेन कैरेक्टर थी, मैंने इनका नाम बता दिया, बाकी के तुम गूगल कर लेना क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है ज़्यादा। तो मेरे को ज़्यादातर देखा जाए तो आज जब मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, मतलब इस ऑस्कर में कुछ स्पेशल सा हुआ है, मैं देखा था मीम्स बन रहे इतने सारे, लोग रेडिट पे मीम्स बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे अपने डिबेट्स रख रहे हैं कि कौन गलत था कौन सही था, इन सब के बारे में बहुत सारी चर्चा चल रही है। पर मैंने जब न्यूज़ देखी ना, मैं सोचा था चलो ये स्क्रिप्टेड होगा, तो मैं मान नहीं सकता कि मतलब ऐसे ही ऑस्कर, एक ऑस्कर जैसे बड़े लेवल के अवार्ड सेरेमनी में ऐसा कुछ हादसा हो जाए, मतलब कुछ ज़्यादा अनप्रोफेशनल नहीं लगेगा? तो वही है, मैंने वही सोचा चलो छोड़ो एक होगा, ये सारे स्क्रिप्टेड होंगे। बट मैंने जब वो पूरा सीन देखा, जब स्टार्टिंग में विल स्मिथ ना हंस रहे थे, फिर बाद में जाके उन्होंने क्रिस रॉक को थप्पड़ मार दिया, तो मेरे को लगा थोड़ा बहुत स्क्रिप्टेड होगा चलो। फिर जब आके वो बोले ना, मतलब मेरी वाइफ का नाम अपनी जुबान से जुबान पे मत रखना, तो मेरे को लगा नहीं यार ये बंदा सीरियस है, ये स्क्रिप्टेड नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने भी वही सोचा चलो ये अनप्रोफेशनल नहीं हो गया, मतलब इतना बड़ा सब दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड सेरेमनी है और इसमें किसी को भी थप्पड़ मार दिया, चलो अगर कोई स्टार सिनेमा अवार्ड होता तो माना भी जा सकता था। पर चलो, स्टार सिनेमा मजाक हट के ऑस्कर में ये जो भी हुआ ये बहुत बुरा हुआ, शायद नहीं हो सकता था। एंड मैं जब इसके बारे में गूगल पे सर्च मारा, तो मेरे को बाद में पता चला वो विल स्मिथ की वाइफ जो है उनको थोड़ा बहुत हेयर फॉल का प्रॉब्लम था, उसी के ऊपर मजाक उड़ाया था क्रिस रॉक ने, तो इसी बात पे विल स्मिथ को गुस्सा आया एंड उन्होंने जाके थप्पड़ मार दिया क्रिस रॉक को। एंड ये ऑस्कर की हिस्ट्री में, ऑस्कर के क्या टेलीविजन की हिस्ट्री में बहुत बड़ा ये बन के रह गया, मीम मटेरियल बन के रह गया। तो वही है यार, ये जो को लोग बहुत 2-3 सेकंड बाद भूल भी जाते हैं, 2-3 मिनट बाद, बट ये जो थप्पड़ मार रहा है ना, तो ये जोक अब पूरी ज़िंदगी लोगों को याद रहेगा, ये अलग बात है। वही है, आज इसी बारे में वीडियो भी बन रही है, बिकॉज व्यूज़ चाहिए, व्यूज़ की कमी है। आज का वीडियो मैं यही पे एंड कर रहा हूँ, इसी बारे में थोड़ा बहुत बात करनी थी मेरे को कि ये जो गलत हुआ सही हुआ ऑस्कर में अवार्ड्स कर, जो जिन मूवी मूवीज़ को एक्टर्स को जिनको भी अवार्ड मिला है, मैं इन सब इन सारी मूवीज़ को देखूंगा एंड इन सब का रिव्यू एक एक करके लाऊंगा। बस आज का वीडियो मैं ये एंड कर रहा हूँ। वीडियो चलाओ, वीडियो चलाओ, प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर कर दीजिएगा।
एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए